ये B4U ग्लोबल का अकाउंट है और इस अकाउंट से $10,234 विदड्रॉल हो चुके हैं, जो कि अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 15 लाख से ज़्यादा बनते हैं। अगर आप भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं तो आज ही B4U को ज्वाइन करें, क्योंकि ये वेबसाइट नहीं एक बिजनेस है। आपने सिंपली इन्वेस्टमेंट करनी है और कंपनी आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट देती है। अगर आप B4U को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। B4U में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि B4U ID में हम लॉग इन और लॉग आउट कैसे कर सकते हैं। कुछ दिन पहले B4U ग्लोबल ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है और लॉगिन के तरीकाकार को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं या फिर लैपटॉप यूज़र हैं तो दोनों का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप स्मार्टफोन में अपने B4U ID में लॉगिन कैसे कर सकते हैं। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, सिंपली आपने उसको ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपने B4U ग्लोबल टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे इस पेज पे सबसे ऊपर आपको B4U ग्लोबल का लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपने इसके ऊपर टैप करना है। जब आप टैप करेंगे तो B4U ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टॉप राइट साइड कॉर्नर में आपको 3 हॉरिजेंटल लाइन्स नज़र आ रही होंगी, इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपने लॉगिन के ऊपर टैप करना है तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने B4U ID या फिर ईमेल लिखनी है। इससे पहले आप ईमेल के जरिए भी लॉगिन हो सकते थे, लेकिन न्यू अपडेट के बाद आप सिर्फ B4U ID से लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप ईमेल से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको एक एरर दिखाई देगा और आप लॉगिन नहीं हो सकेंगे। और इस अपडेट में यही चेंज लाया गया है, आप ईमेल के जरिए लॉगिन नहीं कर सकते। सिंपली आपने यहाँ पे B4U ID लिखनी है। ID लिखने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर टैप करें। जैसे यहाँ पे टिक मार्क का निशान आएगा, सिंपली आपने लॉगिन के ऊपर टैप कर देना है। जब आप लॉगिन के ऊपर टैप करेंगे तो आप अपने B4U की डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी डिवाइस में लॉगिन हो रहे हैं तो आप B4U ID से लॉगिन नहीं हो सकेंगे। आपने सबसे पहले ईमेल लगानी है, ईमेल लगाने के बाद पासवर्ड लगाना है और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप B4U ID में लॉगिन होना चाहते हैं तो आप ईमेल के जरिए लॉगिन नहीं हो सकेंगे, आपको B4U ID ही यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ से लॉग आउट कैसे हो सकते हैं। सिंपली टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर आप टैप करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो आप B4U ID से लॉग आउट हो जाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप अपने PC या फिर लैपटॉप में अपनी B4U ID में लॉगिन और लॉग आउट कैसे हो सकते हैं। जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, सिंपली आपने उसको ओपन करना है और सर्च बॉक्स में B4U ग्लोबल टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहला लिंक आपको B4U ग्लोबल का मिल जाएगा। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे टॉप राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी यूजर आईडी देनी है, ईमेल एड्रेस नहीं देना क्योंकि न्यू अपडेट के बाद आप ईमेल एड्रेस से लॉगिन नहीं हो सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक वेरिफिकेशन कैप्चा आ जाएगा। यहाँ पे आपने पार्किंग मीटर्स को सिलेक्ट करना है, 1, 2 and 3। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही पार्किंग मीटर्स हैं। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास B4U ग्लोबल ID का मैन इंटरफेस आ जाएगा। ये B4U ID का मैन इंटरफेस है जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप WhatsApp या Facebook इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉग आउट के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप टॉप राइट साइड कॉर्नर में देखें तो यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा और अगर आप इस लेफ्ट मेन्यू को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आप B4U ID से लॉग आउट हो जाएंगे। अगर B4U ID से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा WhatsApp ग्रुप भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब